आज की कहानी है एक नवजात बच्ची कायनात की जो किसी कूड़े के ढेर में पड़े पैने पत्थरों के बीच में पैदा हुई, जिसकी आंखें खुलने से पहले ही उसके शरीर को चींटियों ने खाना शुरू कर दिया। इतनी कठिनाइयों के बीच जब पहली बार उसकी आंखें खुली तो उसे प्यार से पुचकारती हुई अपनी माँ नजर आई। लेकिन शायद अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहना उसकी किस्मत को मंजूर नहीं था, या फिर यूं कहे कि उसकी किस्मत आसमान में बैठे भगवान नहीं बल्कि खुद को भगवान समझने वाला धरती पे बैठा इंसान लिख रहा था। 4 महीने की कायनात जब एक दिन अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी, उसने अपनी ही गली में कुछ लोगों को एक छोटे से पिल्ले को बेरहमी से एक बोरी में भरते हुए देखा। डर के मारे कायनात अपने पास की दीवार की आड़ में छुप गई, लेकिन मासूम कायनात ने अपने पीछे से आते हुए आदमी को नहीं देखा था और कुछ ही पलों में वो भी एक बोरी में कैद थी। कायनात बहुत देर तक रोती और चिल्लाती रही। गली के वो इंसान अपनी बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे थे। उन्होंने कायनात और उस पिल्ले की बोरी को एक खाली पड़े हुए प्लॉट में फेंक दिया। सांस न मिलने की वजह से उस पिल्ले की कुछ ही देर में मौत हो गई, लेकिन कायनात की किस्मत में शायद अभी और दर्द बाकी था। वो किसी तरह उस बोरी को काट कर बाहर तो आ गई, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज भला कौन सुनता। दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत भी नहीं था। खाने और पानी की तलाश में कायनात रोज घंटों चलती, फिर गिरती, उठती, कुछ दूर चलती और फिर गिरती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब कायनात कमजोर हो चुकी थी। 1 साल की उम्र में ही उसके शरीर का एक एक बाल झड़ चुका था। खुजली के कारण उसके शरीर पे कई जगह जख्म भी हो गए थे। लेकिन कायनात ने अब शायद अपनी जिंदगी के दुखों का कोटा पूरा कर लिया था, इसीलिए एक दिन वहां से गुजरते हुए मीनाक्षी जी की नजर उस पर पड़ी और अगले ही पल कायनात पीपल फार्म में थी। कायनात को अपने पहले जैसे रंग रूप में लाना हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कायनात के अंदर जो जीने का जज्बा था वो उसके घावों से कई ज्यादा बड़ा था। जितने समय में कायनात यहाँ पे ठीक हो रही थी, उतने समय में ब्रीडर्स ने लाखों कुत्तों को पैदा कराया और बेच दिया, और लोगों ने उन्हें खरीदा भी, लेकिन कायनात को लेने कोई आगे नहीं आया। और फिर हमें कायनात को उन्हीं सड़कों पे वापस छोड़ना पड़ा जहाँ से वो आई थी। कायनात के लिए बुरा तो बहुत लगता है, पर मुझे लगता है शायद सारा दिन हम इतनी बड़ी खबरों से, इतने बड़े मुद्दों से घिरे होते हैं जिनके बारे में हमें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और शायद हमें बुरा महसूस करने की इतनी आदत हो जाती है कि जिन मुद्दों के बारे में हम कुछ कर भी सकते हैं ना, वहाँ भी हम सिर्फ बुरा महसूस करके रुक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाई बुरा महसूस करने के साथ साथ हम किसी को अच्छा भी महसूस करा सकते हैं।